प्रज्ञानम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम की और उस पर योग के प्रभाव की, और बहुत सारी बातें हमने आपको बताई थी कि कैसे ये किडनी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, जो शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको छान कर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा, यूरेटर्स के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट करते हैं और यूरेथ्रा के द्वारा उसको इवैक्यूएट करते हैं। ये सारी बातें हमने पिछली वीडियोज में आपको बताई थी, और ये बताया था कि अगर कोई बॉडी का प्यूरिफिकेशन करता है तो उस बॉडी के प्यूरिफिकेशन को करने में सबसे बड़ा योगदान है इन किडनीज का, जो ये किडनी हम दोनों तरफ देख रहे हैं, और ये किडनी उस ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं जो ब्लड हमारे लिए लाइफ लाइन का काम करता है। यानी कि ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो किडनी में होता है। यहां हम देख रहे हैं लंग्स। कुछ लोगों को एक डाउट रहता है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स में होता है। नहीं, ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स में नहीं होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन किडनी में होता है। लंग्स क्या काम करते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है और वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं, या ये कहें ब्लड के अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इनका मतलब है केवल ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करना, और जबकि किडनी का वर्क है ब्लड को प्यूरिफाइड करना उन वेस्ट प्रोडक्ट से जो हमारे लिए हार्मफुल है। किस मामले में हार्मफुल है, यहाँ पर यह भी मैं स्पष्ट कर दूं, इस मामले में हार्मफुल है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है, अक्सर आपने देखा होगा जिनको जॉइंट्स का पेन होता है उनको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप यूरिक एसिड का टेस्ट करा लीजिए। यूरिक एसिड का टेस्ट कराने का मतलब होता है कि ब्लड के कंपोनेंट में जो यूरिक एसिड का कंपोनेंट है उसकी मात्रा बढ़ चुकी होती है, अक्सर ये देखा जाता है, और उसके बढ़ने से क्या होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। न केवल जॉइंट्स में पेन होता है बल्कि ब्लड का कंपोनेंट बढ़ा है तो ब्लड की विस्कोसिटी भी बढ़ेगी, ब्लड की श्यानता भी बढ़ेगी। और ये ब्लड की श्यानता क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, उसको ऐसे समझिए जैसे पानी तेज बहता है, उसी के अगर पानी से कंपेयर करें तेल का, तो तेल सरसों का तेल उससे धीमे बहता है, तो सरसों का तेल ज्यादा विस्कस हुआ अपेक्षाकृत पानी के। अब हम ब्लड की तुलना करें पानी से, तो ब्लड भी पानी से कम तेजी से बहेगा, पानी तेज बहेगा ब्लड धीरे धीरे बहेगा, तो ब्लड इज मोर विस्कस देन वाटर। और कितना विस्कस है, 5 times विस्कस है, 5 गुना गाढ़ा है पानी से रक्त। और रक्त में अगर यहां ब्लड में उसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जैसे यूरिया यूरिक एसिड बढ़ जाए तो ब्लड और विस्कस हो जाएगा, ब्लड को आगे बढ़ने में टाइम लगेगा, या ये कहें हार्ट को आगे ब्लड को पंप करने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा तो उसका एडवर्स इफेक्ट कहीं ना कहीं हार्ट पर आएगा। तो कितना महत्वपूर्ण काम किडनी करती है ये इस बात से समझा जा सकता है कि ये ब्लड की विस्कोसिटी को कम कर देता है, या ये कहें जो ब्लड की नॉर्मल विस्कोसिटी है उसमें रहने के लिए ये बाध्य करता है किडनी। और यही काम जो किडनी कर रही है कुछ न कुछ मात्रा में हमारी स्किन करती है और हमारे लंग्स करते हैं। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में खासकर बहुत सारा पसीना निकलता रहता है, और पसीना निकालने का जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो हमारी स्किन की लेयर्स में होती हैं। देख रहे हैं स्किन की लेयर, इपीडर्मिस और डर्मिस, ये हेयर्स जो रोम कूप होते हैं वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये आर्टरीज और ये वीन्स हैं, ये हेयर फॉलिकल्स हैं। आर्टरीज में जैसा हम सब जानते हैं कि ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। अब यहां पर जैसे ही हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। होम्योस्टेसिस क्या है, कि शरीर के अंदर का वातावरण एक जैसा बना रहे उसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, और उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा वर्क करने के लिए हम स्किन को देखते हैं। स्किन हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री फारेनहाइट के करीब बनाए रखने में हमारी मदद करती है, और ये मदद करने के लिए प्रोसेस क्या होती है उसको थोड़ा सा समझिए यहां पर, कि जैसे गर्मी के दिनों में शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है अंदर के टेम्परेचर में वृद्धि, और अंदर के टेम्परेचर में वृद्धि का मतलब है ब्लड के टेम्परेचर में वृद्धि। और ब्लड का जब टेम्परेचर ये रेज करता है तो तुरंत
स्किन एक्टिव हो जाती है, ये इसके पीछे पूरी नर्व सिस्टम काम करता है कि कैसे स्किन एक्टिव होती है, स्वेट ग्लैंड्स को कैसे निकालने के लिए वो काम करती है। और आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में हमारी स्किन ज्यादा ग्लो करती है, ज्यादा ग्लो करने का मतलब है कि वो रेडनेस उसमें ज्यादा रहती है, और वो इसलिए रहती है क्योंकि ये आर्टरीज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इनमें ब्लड की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, और बढ़ा इसलिए दिया जाता है ताकि ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उस आर्टरीज से पसीने को निकाल सके, पानी को निकाल सके, और वो वही पानी निकलता है जो कि गर्म होता है, हीटिंग इफेक्ट वाला, और वो ऊपर जाके स्किन पर आकर वेपराइज हो जाता है, और इस प्रकार हम कूलिंग इफेक्ट पाते हैं। और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये स्किन हमारे अंदर के होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने में हमारी मदद करती है। लेकिन यहां पर हम स्किन को पढ़ रहे हैं एज ए एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्किन क्या करती है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट को निकालने के बाद बहुत सारे साल्ट्स भी निकल जाते हैं इसके साथ, और बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल जाता है। इस प्रकार ये स्किन दूसरा वर्क करती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह, और हमारे अंदर होमियोस्टेसिस को मेंटेन करती है, ब्लड की विस्कोसिटी को नॉर्मल बनाने में हमारी मदद करती है, और न केवल यहां पसीना निकलता है बल्कि कुछ तैलीय ग्रंथियां भी होती हैं जो ऑयल रिलीज करती हैं। आपने देखा होगा हमारी स्किन चिपचिपी टाइप की हो जाती है, और वहां पर ये ऑयल होता है, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे जिसको ये कहा जा सकता है वेस्ट प्रोडक्ट जैसे गोंद टाइप का कुछ निकलता है, वैक्स जिसको कहते हैं वो यहां से कुछ निकलता है, और यही चीजें आपने देखा होगा नोज से म्यूकस निकलता है, कान से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, तो वो सारे जहां से ऐसी चीजें निकल रही हैं वो सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को सपोर्ट करने वाले आर्गन हैं। और अब बात करते हैं दूसरे इस आर्गन की, लंग्स की। हम दिन भर में 21,600 बार सांस लेते हैं, और हर सांस छोड़ने के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शन, और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जहां पर हम देखते हैं कि ग्लूकोज का पार्टिकल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके माइटोकांड्रिया में अपना काम करता है, और माइटोकांड्रिया में अपना जो काम करता है तो वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को सेल रिलीज कर देती है, ब्लड में मिला देती है, ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हार्ट के माध्यम से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचा देता है। लंग्स उसको अपने प्रक्रिया द्वारा जो एल्विलाई है उसके द्वारा इंटरचेंज कर लेते हैं गैसेस का, और वो उसको बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये लंग्स इस ब्लड को जिसको प्यूरिफाइड किया था किडनी ने, उसमें बाइकार्बोनेट आयंस या ये कहें उसको एसिडिक होने से बचाने में हमारी मदद करते हैं लंग्स। तो इस प्रकार देखते हैं कि चाहे ये किडनी का पूरा सिस्टम हो, चाहे ये लीवर हो, चाहे ये स्किन हो, और चाहे ये लंग्स हो, ये सारा सिस्टम मिलकर इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को परिपूर्ण बनाता है, पूर्ण बनाता है। क्योंकि हम बात पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन के लिए ही लगाया गया है। क्योंकि बात हम कर रहे हैं यहां पर, हर समय आप ध्यान रखते हैं कि हम योग की बात कर रहे हैं, न केवल एनाटॉमी की। योग का काम ही है गार्बेज आउट, गार्बेज किसी रूप में अगर बॉडी में है तो उसको आउट करना योग का काम है, और हम कैसे गार्बेज को योग के द्वारा आउट करते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। यहां पर आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कुछ समझ में आ गई है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ योगिक प्रैक्टिसेस इफेक्ट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स वी कैन गेट थ्रू दिस सिस्टम, थ्रू दिस योगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।